चेहरा जो ख्वाबो ख्यालों में आए, आते जाते दिल को दीवाना बनाए, कोरे कोरे कागज पर लिखना सिखाए, धीरे धीरे मुझको वो शायर बनाए हो। सुरों की बहती हवा है, वो मेरे गीतों की आवाज है, वो तो सुरों की बहती हवा है, वो मेरे गीतों की आवाज है, मेरे लबों पे उसकी कहानी, वो तो मोहब्बत भरा साज है। मुझको चाहत का राग सुनाए, आते जाते दिल को दीवाना बनाए, कोरे कोरे कागज पे लिखना सिखाए, धीरे धीरे
मुझको वो शायर बनाए हो। तुझे मालूम है लाखन, क्या आज हमें एहसास हुआ कि हमारी आवाज में जादू है यार। क्या बात कर रहे हो चाचू? ओ सही बात कर रहा हूँ लाखन। ओ यार आज तो हमारी आवाज सुन के ऊंट तक मचल उठे थे, हवाएं सर सर करके नाचने लगी। और यही नहीं, लोग उठकर मस्ती में झूम उठे थे यार। ये तो क्या भावरो जैसी बातें कर रहा है अर्जुन। अरे भाभी आप वहाँ होती ना आप भी नाच उठती। तू क्या कह रहा है, मारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच भाभी? अरे ओ भगवान, इसे कभी बड़ा भी होने देगी कि नहीं, या यूं ही हमेशा अपनी गोद में बिठा के रखेगी? क्यों जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे कुछ तो इसे अपने हाथ से करने दिया कर, अब तो जनाब की नौकरी है और कल को इसका ब्याह भी करना है। आपको हमारे ब्याह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भैया, ब्याह तो हमने कर लिया है। क्या क्या कहा तूने, हमको बताए बगैर ब्याह कर लिया? किससे? अपनी आवाज से, अपने गीतों से और अपनी गिटार से। अरे ये पागल हो गया। अरे पागल, अरे यो भागो, इसे किसी ओझा के पास लेके जा और इसका पागलपन बता के इसका इलाज करवा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, आज तो मजाक उड़ा लो। अगर एक दिन इसी पागल ने सारे जमाने को पागल ना कर दिखाया ना, तो हमारा नाम भी अर्जुन सिंह नहीं। अरे नहीं अर्जुन, नहीं मेरे बेटे, अब भागो तुम इसे समझाओ ना। मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ कि ऐसे सपने मत देखे जो अक्सर टूट जाते हैं, और जब टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और मैं तेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ बेटे। भैया तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है, आप एक बार गाना तो सुनिए हमारा। गाना तेरा? हाँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनने भैया ना। भाभी आप सुनेंगी ना? हाँ अर्जुन चल, मैं तेरा गाना सुनूंगी। लाकर जा गिटार लेकर। भैया राम राम अर्जुन भैया। हाँ रंजीत बोल। मैनेजर साहब ने कहा है कुछ टूरिस्ट आने वाले हैं, तुम्हें बस लेके एयरपोर्ट जाना है। अच्छा ऐसा करो तुम चलो, हम गाड़ी लेके सीधा एयरपोर्ट पहुँचते हैं। ठीक है। भाभी अंदर से हमारा कोट और पगड़ी ला दीजिए। और करो लाड, अपना कोट और पगड़ी भी लाड साहब खुद नहीं लेके आ सकते। तो, मेरा बेटा काम पे जा रहा है। हाँ काम पे जा रहा है। अब क्या है? हमारा गाना सुन लीजिए ना प्लीज। अरे काम पहले, ये गाना वाना बाद में, और मुझे भी अपने काम पे जाना है। जब देखो गाना याद रखना, आपने गाना नहीं सुना हमारा, एक दिन सारी दुनिया को हमारा गाना सुनना पड़ेगा। ओ छेती दाल नू तड़का मारो ए। ओ बस आ लो, मेरा सिंगर आ गया है। रेडियो जल्दी बंद करो ए। ओ पप्पू ओ जल्दी चार चढ़ा दे ए, मेरा सिंगर आ गया है। ओ केडी म्यूजिक कंपनी नू चिट्ठियां पा रहा है। ओ आजा काल इकबाल चाचा, आजा आजा आजा। ओ जल्दी चाल लेके आयो, मेरा वीर अर्जुन आया। बैजा अब बै पुत्र बै। ओ चाल आयो छेती चाल लेके आ। चाय तो हम पियेंगे चाचा, पर हमारी को चिट्ठी विट्ठी आई कि नहीं? डाकिया तो आया था ना चाचा? ओ डाकिया तो आया था, पर तू चिंता मत कर, ये जो वाई गुरु है ना, वो ऐसा डाकिया भेजेगा जो तेरे को हम लोगों से दूर सीधा कामयाबी के रास्ते पे ले जाएगा। ओ चाय पी चा। वो तो ठीक है चाचा, पर कब? ओ शायद आज। आप तो रोज हमें दिलासा देते हो चाचा, बेचैनी इतनी बढ़ गई है ना चाचा कि हमसे और इंतजार नहीं होता, इस नौकरी में भी हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता। ओ वाई गुरु, मेरे यार नु जल्दी मुंबई भेज दे और इनू इतनी कामयाबी दे कि ऐदे सामने सारे फेल हो जान। शुक्रिया, थैंक यू, बहु सारो भालो। ओ शुक्रिया और भालू नू गोली मार। पुतरी गल दस, आज कोई गीत नवा तैयार किता है? सोचा है ना चाचा, ऐसा गीत सोचा है, ऐसा गीत सोचा है चाचा, अगर आपको सुनाया तो आपकी तो ओए, ओ मेरी की ओए। ओ मैं क्या, तोड़ी निंदर उड़ जाएगी। ओ फिर ठीक है, ओ मैं कुछ और ही मतबल समझिया सा। ओ जो भी मतबल है तू गीत सुना दे। आ ला 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 ला, हो तुमसे अच्छा कौन है, हे तुमसे अच्छा कौन है। ओ बंद करो, बस आ गई। ओ लड्डू जल्दी चाय रख दे, पैसेंजर आ गया नहीं। ओए
लो चाचा, आपके गाने के चक्कर में मैं तो गया आज। ओ चिंता मत करना, ओ भाई गुरु भला करेगा। ओ किथे है होटल दी बस, 2 घंटे हो गए यार। ओ मोटो पाजी, ओ इससे अच्छा तो पंजाब चलते यार। अरे पंजाब की क्या खास बात है यार। ओ पंजाब में इतने ट्रक हैं, कम से कम एक तो हमें होटल पहुंचा ही देता यार। ओ दिमाग खराब कर दिया यार गर्मी ने। अरे तेरा क्या, सभी का दिमाग खराब है। लगता है आ गई मां ये बस। अरे भाई ड्राइवर, ये कोई वक्त आने का? 2 घंटे हो गए यहाँ बैठे बैठे, खोपड़ी गर्म हो गई। इस तरह शुरू करते हो तुम होटल वाले हम टूरिस्टों के साथ? पहली बात तमीज से पेश आई, दूसरी बात ये बस आपके बाप की नहीं है। ड्राइवर होगा बाप तक जाता है, जानता नहीं मेरा गुस्सा। क्या करोगे? खींच के थप्पड़ मारूंगा। मारता है, ये मारता है। ये बस ना तेरे बाप की है ना तेरी माँ की। ये बस है गीता ट्रैवल्स के स्टाफ के लिए, जिसकी लीडर है मिस नैना। समझा मेरे नैनसोक? तेरा नाम नैना है? मेरा नाम है नैना। जिस तरह तुमने मेरे दोस्त को मारा है उसी तरह मैं भी तुम्हें मार सकती हूँ, लेकिन मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगती। छोटा किसे कह रही हैं आप? हम ठाकुर हैं, ठाकुर अर्जुन सिंह। माना हमसे गलती हो गई, पर इसमें छोटा कहने की क्या जरूरत है? बदतमीज हो तुम, मैं तुम्हारी शिकायत करके रहूंगी। और अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी नौकरी से ना निकलवा दिया ना, तो मेरा नाम नैना नहीं। नैना चल के बस बैठो, इसे पंगा लेना ठीक नहीं। अगर ये सबको छोड़ के चला गया तो हॉलीडे एट एयरपोर्ट होगा। भाई साहब शी इज नॉट सीरियस, इसके दिमाग में जरा गर्मी चढ़ गई है। आप अपने कॉकपिट में बैठिए कप्तान साहब, चलिए चलो बस बैठो। चलो चलो चलो, दिमाग खराब कर दिया सब लोगों ने। गर्मी वैसे बाहर चल रही है, अंदर की गर्मी होगी। चलो आ जाओ बैठो। Friends, I'm very sorry because of this stupid driver. Oh my God! Ouch! Idiot, ऐसे ब्रेक मारते हैं? मैडम जी, ये जैसलमेर है। आगे ऊंट आ गया था, एक्सीडेंट हो जाता तो पब्लिक ने इतना मारना था कि अंग्रेजी में गालियाँ देना भूल जाती हैं आप। पर गाड़ी आराम से भी चलाई जा सकती है, ये कोई तरीका है? देखिए मैडम, आप मुझे तरीका मत समझाइए। अगर आपने मेरी कंप्लेंट ही करनी है ना, तो छोटी सी क्यों, 10-12 एक साथ कीजिए। मैं लेट आया, मैंने आपके साथ बदतमीजी की, मैंने रफ ड्राइविंग भी की, और मैं आपको मौत का मुंह तक दिखा कर लाया। और अगर मैं तुम्हारी कंप्लेंट ना करूं तो? फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ मेहमान नवाजी कैसे की जाती है। आपको ऐसे होटल पहुँचाऊंगा जैसे आप बस में नहीं एक पालकी में जा रहे हैं। और आपको इस शहर की हर इमारत हर पत्थर की कहानी एक गाइड बनकर बताऊंगा। अरे तो भाई ये बताओ ना, कह दो हमारी कोई गलती नहीं है, वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुंच गए थे और बस इतने आराम से चलाई कि हम लोगों को लगा कि हम अपनी माँ की गोद में झूला झूल रहे हैं और बड़े प्यार से गाल पे हाथ फिराए थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अर्जुन सिंह योर ड्राइवर कम गाइड। नाउ आई विल शो यू माई होम सिटी जैसलमेर। खंडर देख देख के थकाता भाई, लेकिन मजा तो आया ना। चलो भी चलो, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। चलो कुड़िए। वाह भैया, 3 दिन में ऐसा थकाया है कसम से कि जिस्म के 2-3 हिस्सों को छोड़कर सब चटक रहे हैं। सॉरी जी, जाता हूँ 2-3 पैग लगाऊंगा और ओके बाय मोंटो, सी यू, हां गुड नाइट, बाय गुड नाइट। देखना ऐसा कराऊंगा, किसी को सोने नहीं दूंगा सारी रात पीकर चिल्ला। थैंक यू वेरी मच अर्जुन सिंह, तुम बहुत अच्छे गाइड हो। जी इसमें थैंक यू की क्या बात है, और वैसे भी मुझे बहुत गर्व महसूस होता है अपना होम टाउन दिखाने में। ये हाल है भाया? ठीक से भाया, सब ठीक ठाक। कोई नया गीत सुना? सुनाऊं थारे को? लात थारे को खुश कर दूं। हे हे,
क्या बात है, वो अर्जुन सिंह है, वो बड़े कमाल का गाता है यार, तू तो मजा आ गया यार कसम से। बजाता भी अच्छा है। अच्छा बजाता है ना? हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा गा रहे थे तुम। जी हम तो सिर्फ गुनगुना रहे थे। और आप अर्जुन सुना दो यार गाना। तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है, चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है, कोई रुत हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है, चांद तारे शबनम तुमसे अच्छा कौन है। नैना जी, रेगिस्तान की चांदनी रात की बात ही कुछ और है। आज आप देखेंगी तो आपको मजा आ जाएगा। प्यार से मुखड़े को आके चूमती है चांदनी, सारी दुनिया में है बिखरी बस तुम्हारी रोशनी, ऐसा कोई भी नहीं हो मेरी नजर में हसी, मेरा दिल कहता है जानम तुमसे अच्छा कौन है, मेरा दिल कहता है जानम तुमसे अच्छा कौन है। तुम्हारी दिन में काली रात हो तुम जरा आंचल उड़ा दो, धूप में बरसात हो सागर की प्यासी लहर हो झूमे तुम्हें देख कर, सारी दुनिया सारा आलम अच्छा कौन है, सारी दुनिया सारा आलम तुमसे अच्छा कौन है, कोई रुत हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है, चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है, हो तुमसे अच्छा कौन है। अरे क्या हुआ? देखे तो भैया कौन है? ये है नैना जी। नैना जी ये हमारे भैया। नमस्ते। नमस्ते। और ये हमारी जान लाखन। हेलो लाखन। भाभी अर्जुन। भाभी देखो तो सही कौन है? ये है नैना जी। नमस्ते। और नैना जी ये हमारी भाभी। ओह तो ये है नैना जी। जी हाँ। नैना जी बताइए ना हमारी भाभी को, हमने आपको गाना सुनाया, आपको कैसा लगा? सच में भाभी अर्जुन बहुत अच्छा गाता है, इसकी आवाज दिल में उतर जाती है,
जादू है इसकी आवाज में, जादू। क्यों भैया, अब तो मान गए ना? हाँ मेरे बाप, मान गए। अब घर आए मेहमान से अपनी तारीफें ही करवाता रहेगा या इनकी कुछ खातिरदारी भी करेगा? हाँ मम्मी, ये आंटी बहुत अच्छी है, इनके लिए चाय लाइए। सो स्वीट। मैं भी चाय लेकर आई। हाँ भाई, कुछ चाय वाय लेकर आओ। नैना जी, आप लोग यहाँ कब तक हैं? बस हम लोग कल ही वापस जा रहे हैं। आप कल वापस जा रही हैं नैना जी? हाँ, छुट्टियाँ भी खत्म हो चुकी हैं और फिर घर वालों की भी बहुत याद आ रही है। अर्जुन, तुम सचमुच बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हें तो मुंबई आकर वाकई में ट्राई करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इतने मशहूर हो जाओगे कि लोग तुम्हारे आगे पीछे, न्यूज़पेपर्स में तुम, पोस्टर्स पे तुम, टीवी पर तुम, हर जगह बस तुम ही तुम होगे। सच? झूठ बोलकर, तुम्हें झूठे सपने दिखाकर मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। नैना, हाँ जी? लास्ट कॉल है भाई, चलिए प्लीज। मैं अभी आती हूँ। मेरी बात याद रखना, भूलना मत, ओके? और प्लीज गाना गाना मत छोड़ना। ये मेरा कार है, जरूर मुंबई आना और मुझे मिलना, ओके? बाय। आप जैसा यार मुझे चाहिए, आपकी मोहब्बत और प्यार मुझे चाहिए, खेल की तरह ने दिल यूं ही बहलाऊं, आपके लिए ही सारी जिंदगी मैं गाऊं, आपका मैं आपका सितारा। भैया, भैया, भाभी, भैया। क्या? अरे? क्या हुआ अर्जुन? क्या हुआ चाचू? क्या बात है, चिल्ला क्यों रहा है? ओ भैया, 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 भाभी, आज हमने एक सपना देखा। बुरी बात। सुन तो लो वो क्या कह रहा है। क्या सपना देखा अर्जुन? भाभी, हमने देखा कि हम एक बहुत बड़े स्टार सिंगर बन गए हैं। भयानक सपना। भैया, लोग हमारा गाना सुनकर जोरदार तालियां और सीटियां बजा रहे थे। अच्छा? अच्छा क्या है? ये सपने वपने देखने बंद कर और जा जाकर सो जा। सपने देखा। भैया हम मुंबई जाएंगे, भैया हमें एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है। क्यों, कोई चिट्ठी आ गई क्या मुंबई से किसी म्यूजिक कंपनी की? हमें पता है, तूने इकबाल चाचा के ढाबे का पता दे रखा है ना। सच बता जो, कोई चिट्ठी आई है क्या? चिट्ठी तो नहीं आई, पर हमारा सपना हमें ये कहता है कि मुंबई हमें बुला रहा है। भाभी, हम मुंबई जाएंगे, प्लीज। खबरदार, जो दोबारा मुंबई जाने का नाम लिया तो। जा जाकर सो जा। जा, सो जा। ओ दालू तड़का वड़का मार यार। सत श्री अकाल इकबाल चाचा। ओ सत श्री अकाल, ओ बल्ले ओ बल्ले, ओ मेरे अर्जुन सिया, ओ मेरे गीतकार, मेरे संगीतकार। हाँ हाँ, चाय पी और अच्छा सा गीत सुना दे मन्नू आज। आहा, आ जाए। ओए ओ अर्जुन सिया, ओ अर्जुन सिया, ओ की हो गया अर्जुन सिया नू? ओ वाहेगुरु, इनू चंगा कर दे। अरे उर्मिला, अरे देखो सर्दी कितनी बढ़ गई है, ये कहाँ है तेरा लाडला, अभी तक नहीं आया। भैया, हमने फैसला कर लिया है, हमने ये फैसला किया है कि हम आपको दुखी नहीं करेंगे, हम आपसे दूर भी नहीं जाएंगे, बस इसके लिए हमें अपने सपनों को भुलाना होगा। और जब सपने ही नहीं रहेंगे तो इसका क्या काम, क्योंकि ये रहेगा ना तो हमें हमारे सपनों की याद दिलाता रहेगा। तू कौन होता फैसला करने वाला,
इस घर का बड़ा मैं हूं और मैं ही रहूंगा, और इस घर में फैसले हमेशा मेरे ही चलेंगे, और मैंने फैसला कर लिया है कि तू मुंबई जाएगा, जरूर जाएगा, और एक दिन इतना बड़ा गायक बनेगा कि इस देश का हर इंसान, बच्चा बच्चा हमें देखकर ये कहेगा कि ये देखो, ये है उस बुलंद आवाज और महान गायक अर्जुन सिंह के भैया और भाभी। सरस्वती माँ तुझे बहुत बहुत कामयाबी दे। जा मेरे भाई जा, कामयाबी दे। अंदर कहाँ आ गए? जी बहुत देर से बाहर खड़े हम घंटी ढूंढ रहे थे, फिर जाकर किसी ने बताया कि रस्सी खींचने पर मंदिर का दरवाजा खुलता है। भाई साहब आप गलत जगह पे आ गए हैं, ये मंदिर नहीं मेरा घर है, टुक टुक दीक्षित का घर। फिर तो नैना दीक्षित भी यहीं रहती होंगी, मिस टुक टुक दीक्षित? जी हाँ रहती हैं, पर इस वक्त वो घर पर नहीं है। कौन हो तुम? नैना जी ने कभी ये नहीं बताया क्योंकि बड़ी बहन भी है। चल अंदर चल। मैं नैना की माँ हूँ। माँ? प्रणाम माँ जी, आशीर्वाद। ये क्या कर रहे हो तुम? उठो, कौन हो तुम? जी हमारा नाम अर्जुन सिंह। सामान उठाओ। जी हम जैसलमेर से। मैंने कहा ना सामान उठाओ। जी हमें तो नैना जी ने बता दिया था और कहा था जैसलमेर से जब भी। तुम जैसलमेर से आए या अजमेर से, बाहर जाते हो या पुलिस को बुलाओ, न जाने कहां से चले आते हैं मुंह उठाकर। मुंह उठाकर अंदर नहीं आए जी, हम तो जैसलमेर से मुंबई चले आए। अब क्या करोगे अर्जुन सिंह? कहां जाओगे? इतने बड़े शहर में तो सिर्फ नैना जी जानती हैं तुम्हें। खैर देखा जाएगा। अरे नैना ये अर्जुन तो नहीं? अरे हाँ अर्जुन। नैना जी। अरे अर्जुन तुम कब आए? बस अभी कुछ घंटे पहले। नमस्कार मोंटो भैया। नमस्ते नमस्ते, यहाँ कैसे? जी नैना जी ने कहा हमें मुंबई आकर ट्राई करना चाहिए सिंगर बनने के लिए, तो आ गए हम। बहुत अच्छा किया, चलो अब घर चलो। घर तो हम हो है नैना जी, और माँ जी ने भी जमकर स्वागत किया हमारा। तो तुम रहेंगे कहाँ? नैना जी हमारे पैदा होते ही हमारे माँ बाप चल पसे, तो ऊपर वाले ने हमें माँ बाप से भी बढ़कर भैया भाभी का साया दे दिया, और जब वो हमें यहाँ इतनी दूर तक ले आया है तो उसने हमारी छत का भी तो बंदोबस्त कर रखा होगा ना। अरे वाह क्या बात कही है दोस्त, तेरे लिए ऊपर वाले ने छत का बंदोबस्त कर दिया होगा, नहीं कर दिया है सच। अरे तेरे लिए अपना घर है ठाकुर अर्जुन सिंह, अपना घर। थैंक यू मोंटो। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, दोस्त वही है जो दोस्ती निभा सकता है, और मुश्किलों के वक्त दोस्त ही दोस्त के काम आ सकता है। आइए ये मेरा घर है? मेरा नहीं हमारा हमारा। कहीं भी जूते उतारिए, कहीं भी सूटकेस रखिए और फैल जाइए। अच्छा है मोंटो भैया, बहुत अच्छा है। भाई तुम्हारे जैसलमेर की तरह बड़ा तो नहीं लेकिन मुंबई के हिसाब से काफी बड़ा है। मोंटो भैया मुंबई हो या जैसलमेर, सर छुपाने के लिए छत सर से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। हम आपके बहुत एहसान मंद है मोंटो भैया, आपने हमें सर छुपाने के लिए छत दी, सहारा दिया, पर हम आप पर बोझ बिल्कुल नहीं बनेंगे। बोझ यार, दोस्त दोस्त पे कभी बोझ होता है? तू सिंगर बनना चाहता है ना, हाँ चल मैं बनाता हूँ तुझे सिंगर, आजा।
ये हमें कहाँ ले आए मोंटो भैया? क्या बात है यार, अर्जुन सिंह बहुत किस्मत वाला है तू, ये बाहर वाले इतनी आसानी से किसी को गाने का मौका नहीं देता। ओ, हमें ऐसा मौका चाहिए भी नहीं मोंटो भैया। क्या कहा तुमने, क्या कहा? चलना मेरे टेबल पर। छोड़िए, ओ छोड़िए, हमें ऐसी जगह गाना गवाएंगे? ओ, हम नहीं गाते यहाँ गाना। जैसलमेर से इतनी दूर हम यहाँ गाना गाने नहीं आए ना। अरे रुक ना, इधर आ मेरे साथ। गुड इवनिंग डिंग डोंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अर्जुन, ये डिंग डोंग बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर। सर, मैंने कल आपकी तस्वीर देखी अखबार में, क्या लग रहे थे आप? अरे हमारी तस्वीर नहीं छपेगी तो क्या किसी और की छपेगी? हम कल के हिट म्यूजिक डायरेक्टर है, डिंग डोंग। ओ, डिंग डोंग, डिंग डोंग, डिंग डोंग। सर, ये मेरा दोस्त अर्जुन, बहुत बढ़िया गाता है। अच्छा गाता है जी, सुना दे। माहौल भी है और साजो सामान भी है। चल सुना दे, हम हिट हो गए तो तू भी हिट हो जाएगा। सुना दे, सुना दे। आजा, चल गा दे, खूब मजा आ जाएगा। लाई दर दे, देख किस्मत किसी कहाँ चमक जाए कुछ पता नहीं, समझे? लेकिन यहाँ जैसे मेरा नहीं चलेगा। तो मोंटो भैया आप ही बताओ यहाँ क्या चलेगा? अरे इतनी पिला साकी के महक जाऊं मैं, ये तो मुमकिन नहीं कि बहक जाऊं मैं। सुना दे, जा जा साला फंसा। से देखा उसे शीशे का जाम तोड़ दिया। जो जाम से पीता हूँ, जो जाम से पीता हूँ, उतर जाती है, उतर जाती है, उतर जाती है, उतर जाती है, उतर जाती है। जो जाम से पीता हूँ उतर जाती है, उतर जाती है, उतर जाती है। जो आँख से पीता हूँ तो चढ़ जाती है, जो आँख से पीता हूँ तो चढ़ जाती है। यार तौबा, हस्ती बहार तौबा, वो छुप के वार तौबा, नजरों की मार तौबा, छाए खुमार तौबा, आए करार तौबा, दिल जाए हार तौबा, हो जाए प्यार तौबा। न पूछ यार मोहब्बत का नशा कैसा है, कोई दिन रात ख्यालों में बसा रहता है। बड़ी हसीन इसमें शाम जहर होती है, न दर्द गम की न दुनिया की खबर होती है। से पीता हूँ तो चढ़ जाती है, जो आँख से पीता हूँ तो चढ़ जाती है।
बदलियों में रातों में है नशा, महबूब की अदा में बातों में है नशा, दिलदार की शराब आंखों में है नशा, होठों की सुर्खियों में सांसों में है नशा, गुलाबी नरम से होठों को चूम के देखो, किसी की मद भरी बाहों में झूम के देखो, दीवाने प्यार का ऐसा सुरूर छाएगा, तुझे जमीन पे भी जन्नत का मजा आएगा। से पीता हूँ तो चढ़ जाती है, जो आँख से पीता हूँ तो चढ़ जाती है, जो आँख से पीता हूँ तो चढ़ जाती है, जो आँख से पीता हूँ तो चढ़ जाती है। चल तू। ये क्या किया इंस्पेक्टर साहब आपने? एक ठाकुर को पकड़ लिया। ठाकुर? कौन ठाकुर? हम है ना ठाकुर, जैसलमेर के ठाकुर अर्जुन सिंह। इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर और पुलिस स्टेशन में। बैठ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये खबर जैसलमेर पहुंच गई तो भैया भाभी की तो नाक ही कट जाएगी। हम तो आए थे कहाँ पहुंचने, और इस मोंटो ने हमें कहाँ पहुंचा दिया इंस्पेक्टर साहब। क्या बात कर रहा है यार, मैं तुझे इसलिए थोड़ी ले गया था कि चुप। शर्म नहीं आई तुझे? मुंह मत खोलना अपना, मुंह तोड़ डालेंगे तेरा हम। आग लगी हुई है हमारे अंदर। अरे हम सरस्वती के पुजारी, कहाँ गाना गाने आए थे और कहाँ ले गया तू हमें? इंस्पेक्टर साहब, आप मान सकते हैं इंस्पेक्टर साहब, हम और इंग्लिश कोठे पर और फिर पुलिस स्टेशन में। इंस्पेक्टर साहब, हमारे भैया भाभी को पता चल गया वो तो हमें कभी घर में घुसने तक नहीं देंगे। हम लावारिस हो जाएंगे इंस्पेक्टर साहब, हम लावारिस हो जाएंगे इंस्पेक्टर साहब। तुम लावारिस नहीं हो अर्जुन। नैना ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारे अंदर जो सिंगर बनने की चिंगारी है, नैना ने उसे हवा दी और उसे शोला बना दिया। नैना ने ही तुम्हें और तुम्हारे सपनों को यहां मुंबई आने का रास्ता दिखा दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं प्रोफेसर हूं लॉ कॉलेज में, और मैं इनकी जमानत देने आई हूँ। नहीं मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अर्जुन सिंह के भोलेपन और प्रायश्चित के सामने किसी जमानत की जरूरत नहीं है। हम पुलिस वालों को खरे खोटे की अच्छी पहचान है, आप इन्हें ले जा सकती हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, नमस्ते, चलो। ओ मोंटो जी, तुम भी जाओ, लेकिन सुन, फिर कभी ऐसे भोले इंसान को ऐसी जगह नहीं ले जाना। तो यही है वो जैसलमेर का गवैया जिसका गाना सुनने के लिए पुलिस वाले से पुलिस स्टेशन ले गए थे। अनु सॉरी, अभी देखना ये दीदी को कैसे बुलाएगा। नैना जी। नमस्कार नैना जी। नमस्ते। अर्जुन, टुक टुक से तुम मिल चुके हो ना, और ये मेरी दूसरी बेटी अनु। नमस्कार अनु जी। नमस्कार। आज से यही रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ? मगर ये सोएगा कहाँ? ऊपर नैना के कमरे में। क्या, नैना के कमरे में? ये जैसलमेर और नैना? नैना, तुम दोनों के कमरे में। ओह नो। ओह यस। चलो, रात बहुत हो चुकी है। नैना, अर्जुन को अपना कमरा दिखाओ। से गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। अनु, से गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो चलो, कम ऑन, चेंज योर क्लोथ्स। हरी अर्जुन, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। हम तैयार हैं नैना जी। अरे आप तो अभी तक तैयार नहीं हुई। मैं अभी जाके तैयार होके आती हूँ। आपकी आंखों में आंसू, आप रो रही हैं नैना जी। मैं रो नहीं रही, मैं कांदा काट रही हूँ। कंधा? अरे बाबा, प्याज, मैं प्याज काट रही हूँ। आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते नैना जी।
चलिए आप जाकर तैयार हो जाइए। और वैसे भी उस म्यूजिक डायरेक्टर ने आज इतने दिनों के बाद तो अपॉइंटमेंट दिया है, प्याज जो है हम काट लेंगे। ठीक है तो मैं जाके तैयार होती हूँ, तुम ठीक से कांदा काटना। नैना जी। अर्जुन तुम क्या कर रहे हो? प्याज काट रहा हूँ। और नैना वो क्यों नहीं काट रही? नहीं नहीं हमने ही उन्हें हटा दिया, दरअसल हमें उनकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। लो आपको असली बात तो हमने बताई नहीं, वो क्या है कि आज वो हमें एक म्यूजिक डायरेक्टर से मिलवाने ले जा रही हैं। देर हो रही थी तो हमने उन्हें तैयार होने भिजवा दिया अंदर। बाय मॉम। बाय बेटा। अनु जी आप कहाँ जा रही हैं? अनु जी कॉलेज। कॉलेज? कपड़े तो पहन के जाइए ना अनु जी। क्या मतलब? मतलब आप जैसी अच्छी लड़की पर ये कपड़े अच्छे नहीं लगते। ये जैसलमेर नहीं मुंबई है, मुंबई। अरे भला ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ की लड़की शर्मीली और यहाँ की लड़की बेशरम। मुंबई हो या जैसलमेर, लड़की तो लड़की होती है ना। What do you mean? अनु। ओ नैना जी। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मालिक की दया से मिल गया है। एक मिनट। हाँ एक मिनट। हेलो। हाँ जी बोल रहा हूँ मैं। अरे सेठ जी कहाँ थे आप, इतने दिनों तक आप कहाँ खो गए थे? हाँ देखिए मालिक की दया से ये पहला अवार्ड तो मिल गया है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जितने म्यूजिक डायरेक्टर तीस मार खां बने फिर रहे हैं ना, इन सबका झागना बिठा दिया तो कहना है। एक मिनट। आइए आइए आइए। हाँ सेठ जी बोलिए जी, मैं आपकी अगली फिल्म कर रहा हूँ। हाँ जी ठीक है। आप लोग जाइए ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं। चलिए नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए 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 नैना जी, बड़े जमाने बाद आप आई हैं, मेरी फिल्म हिट होने के बाद आप आई हैं। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। बताइए आप कैसी हैं और आपकी वो ट्रैवल एजेंसी कैसी जी? है जी बिल्कुल ठीक चल रही है। आपने एक बार मुझे बड़ा अच्छा सा गाना सुनाया था, क्या थे उसके बोल? सर मैं नहीं, अर्जुन सिंह बहुत अच्छा गाता है। ये अर्जुन सिंह है सर, अगर आप इसे इसे चांस दे दें तो इसकी लाइफ बन जाएगी, यही कहना चाहती है ना आप? यस सर। हम इसे चांस देंगे, जरूर देंगे। अरे भाई जिसके साथ आप जैसी हसीन खूबसूरत और जवान लड़की हो उसे तो चांस मिलना ही चाहिए। नैना जी यहाँ तो ऐसा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, है? इस कुछ का मतलब समझ रही है ना आप? है? हम इस कुछ के बदले में मालिक की दुआ से इसकी किस्मत बना देंगे। ओहो नैना जी आप इधर आइए। नैना जी ये हमारी किस्मत चमकाएंगे। चमकाइए है? चमकाइए, आज आप हमारी किस्मत चमका दीजिए, चमकाइए प्लीज। ये क्या बदतमीजी है? अर्जुन आप चुप रहिए नैना जी, ये दो मर्दों की आपस की बात है, आप इधर आइए आइए। हाँ तो हम कहाँ थे? तेरे कुछ का मतलब हम समझते हैं, समझते हैं ना? अरे कोई है। हाँ कोई है। कोई नहीं है। अरे मेरे बाप मुझे माफ कर दे, मेरी भूल हो गई। कर दिया माफ, मगर तूने बदतमीजी किसके साथ की बबुआ? नैना जी के साथ। फिर माफी किससे मांगेगा? नैना जी से। मांगता क्यों नहीं हरामखोर? अरे पर ओह, मांग माफी अपनी माँ से। अब मांगता है। खोर। हाँ मांगता हूँ बाबूजी, मांगता हूँ। मेरी माँ जी, मेरी बहन जी, मेरी बेटी जी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने कान पकड़कर आपके पांव छूकर आपसे माफी मांगता हूँ, इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूँ मैं। बस नैना जी आप चलिए, आप चलिए हम आते हैं। और सुनो एक बात अपने दिमाग में उतार लेना। हाँ। सिंगर तो हम बनेंगे। हाँ। और इतने ऊंचे सिंगर बनेंगे। हाँ। जहाँ तुझ जैसे घटिया और छोटे लोग ना पहुंच पाए। हाँ। और आइंदा नहीं करूंगा। चलिए नैना जी। अर्जुन इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? अरे कुत्ते तो भौंकते ही है ना। ओ नैना जी ये भौंकने वाला कुत्ता नहीं था, ये काटने वाला कुत्ता था। मगर एक बात तय होगी नैना जी, आज के बाद ना ही आप किसी से हमारे लिए मिलेंगी, ना ही किसी से हमारे लिए बात करेंगी। जो भी करना है ना हम खुद कर लेंगे, आप घर चलिए।
पहले मुस्कुराओ। नैना जी आप घर चलिए। चलो या डेफिनेटली डेफिनेटली योर वर्क विल बी डन। ओके भाईयो गुड मॉर्निंग अली साहब। गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग राम सिंह। घर जाओ मैम साहब को बोलो। सर हमारा नाम अर्जुन सिंह है, हम बहुत अच्छा गाते हैं। माफ करो जाने दो। बोलो दशरथ सिंह क्या प्रॉब्लम है। सर अर्जुन सिंह। अरे एक ही बात है, दोनों में सिंह कॉमन होता है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। अली रमैया वस्ता भैया। बोलो भैया क्या प्रॉब्लम है। अगर हमें आपके प्रोग्राम में गाने का मौका मिल जाए तो हम तो सारी दुनिया को सर। मिलेगा भाई तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। सच सर। यस दशरथ। अर्जुन सिंह तुम अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो और अपनी आवाज में रिकॉर्डेड एक ऑडियो कैसेट अंदर रिसेप्शन में ड्रॉप कर देना। एंड बिलीव मी तुम्हारा नंबर आते ही। लेकिन सर वो तो कहते हैं हमारा नंबर 2 साल बाद आएगा। बिल्कुल ठीक कहा अर्जुन सिंह, हमारा देश जो है ना वो कलाकारों का है। 100 में से कम से कम 90 लोगों को गाना गाने का शौक है। एक दफा खाना नहीं खाएंगे मगर गाना जरूर गाएंगे। ओके इसलिए हमें जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें सख्त रखना पड़ता है। तुम फॉर्म भर दो। नहीं सर हम यहाँ लाइन में लगने नहीं आए। आफरीन। देखो अर्जुन अगर तुम्हें बात है और तुम सच्ची लगन और मेहनत से काम करोगे कामयाबी तुम्हें मिलेगी। ऑल द बेस्ट। अर्जुन को नहीं बताया कि हर 20 गिनने के बाद म्यूजिक ऑफ करे। हाँ शायद भूल गया या तो फिर सो गया। जाके देख कमर विब्रियोस ऑफ टू बेड। ऑफ टू बेड गुड नाइट प्लीज। ऑफ टू बेड गो 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 गुड नाइट मॉम। अनु ऑफ टू बेड गुड नाइट। तू क्या कर रहे जाके देख क्या कर रहे। ऑफ गो 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 अर्जुन। क्या बात है अर्जुन तुम वहां से आकर यहाँ खड़े हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं नैना जी, भैया भाभी और लाखन की बहुत याद आ रही है। यादों को जैसलमेर में ही रहने दो अर्जुन, सपने पूरे करने हैं तो इन यादों को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यादें अक्सर इंसान को पीछे खींचती हैं, यानी कि वापस बुलाती हैं। नैना ठीक कहती है अर्जुन, बिल्कुल ठीक कहती है। यादें इंसान को कमजोर बना देती है अर्जुन। तुम मुझे देखो, तुम्हारे भाभी और भैया नजर आएंगे और माँ तो मैं हूं ही ना अर्जुन। माँ बेटा अच्छा नैना जी हम चलते हैं, शाम को देर से लौटेंगे। अरे अर्जुन सुनो तो। बोलिए जल्दी बोलिए नैना जी, आज हमारी अपॉइंटमेंट है बहुत ज्यादा और टाइम है बहुत कम। अपॉइंटमेंट जी? पहले हमें मिलना है नदीम श्रवण से, उसके बाद हमें मिलना है अनु मलिक से, उसके बाद हमें। एक दिन तुम भी इतने ही बिजी हो जाओगे, इससे भी ज्यादा। गॉड इज ग्रेट। मोंटो आया था। मोंटो? उसने एक बहुत बड़ी म्यूजिक डायरेक्टर से तुम्हारी बात की है। नैना जी नाम मत लीजिए उसका आप, पहले गए थे तो उसने हमें पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया, अब न जाने कहां पहुंचाएगा हमें। अर्जुन गलती तो हर इंसान से होती है ना, और वो वैसे भी बहुत शर्मिंदा है। और फिर चाहा तो उसने तुम्हारा भला ही था, उसे क्या पता था कि तुम्हारा भला चाहकर वो तुम्हारी नजरों में गिर जाएगा। उसे माफ कर दो ना अर्जुन प्लीज। नैना जी कहां मिलेगा मोंटो? अरे यार इतने दिन में तुझे इसी शर्म से नहीं मिला कि मैं तुझे कहाँ पहुंचाना चाहता था और कहाँ पहुंचा दिया। कोई बात नहीं मोंटो भैया, लेकिन अब मैं तेरी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। आज हम जिस म्यूजिक डायरेक्टर से मिले आए ना यार सिद्दीकी, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, अगर इसने तुझे चांस दे दिया तो समझ ले तेरी निकल पड़ी। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई मुझे यार सिद्दीकी साहब से मिलना है। आपका नाम क्या है? मोंटो।
मोंटो हाँ? अच्छा आप वहां रुकिए, मैं स्लिप देके आता हूँ। चलो बैठते हैं। सुबह से शाम हो गई मोंटो भैया। अरे यहाँ जिंदगी तमाम हो जाती है, तुम सुबह शाम में घबरा गए? सब्र कर, सब्र सब्र बहुत बड़ी चीज होती है। धिन्ना धिन्ना धिन धिन्ना, अरे गोरी तेरा नखरा नखरा, अरे इतना अच्छा गाना बनाया, विक्रम साहब को बोलो ऐसा चेक भेजे जो बाउंस ना हो। सिद्दीकी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोंटो है। ओह अच्छा ना, मैंने आपके सेक्रेटरी को फोन किया था आपसे मिलने के लिए। ये मेरा दोस्त है अर्जुन। नमस्ते सर। मैंने आपको स्लिप भेजा था। एसी चालू रखो। सिद्दीकी साहब मैंने स्लिप भेजी थी आपको। कितने बजे भेजी थी? 9:30 बजे। और अभी क्या टाइम हो रहा है? तकरीबन 4 बजे होंगे। जो मिलना चाहते वो इंतजार नहीं करवाते, और जो इंतजार करवाते वो मिलना नहीं चाहते, इतना नहीं समझते क्या? सर ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा गाता है। दोस्त कह रहे हो और दुश्मनी निभा रहे हो उसके साथ? क्यों गलत रास्ता दिखा रहे हो भाई? कहाँ से आए हो बेटे? जैसलमेर। जैसलमेर। एक काम करो, ये 500 रुपये लो, अभी के अभी जैसलमेर की ट्रेन पकड़ के नादिन दिन ना हो जाओ, यहाँ बर्बाद हो जाओगे बेटे, वेस्ट ऑफ टाइम। ओके। एक्सक्यूज मी सर, आपके ये 500 रुपये तो हमने रख लिए अपने पास एडवांस समझकर, और जिस दिन हम बड़े सिंगर बनेंगे और आप हमसे गाना गवाएंगे ना, उस दिन हमारे गाने की जो भी कीमत होगी उसमें से काट लेना। कमाल। क्या सोच रहे अर्जुन सिंह? चल चाय पी। हम कुछ नहीं सोच रहे मोंटो भैया, ये जो लोग हमें धिक्कार रहे हैं ना, सोचना तो इन्हें पड़ेगा एक दिन। देख लेना मोंटो भैया, एक दिन आएगा जिस दिन रेडियो पर, टीवी पर, बैंड बाजों में हर जगह हमारे गाने बजेंगे। नचा के ना रख देना मोंटो भैया, हमारा नाम भी अर्जुन सिंह नहीं। क्यों नहीं? हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, इरादे हो मजबूत तो नाचते हैं भूत। ये तो लोग हैं प्यारे। चल चाय पी।
टाइम क्या हुआ? 7 बजे माँ। कहाँ थी अब तक? हम बताते हैं ये कहाँ थी। माँ ये अनु है ना, ये बहुत ही पागल लड़की है। ये हमारी कामयाबी के लिए सिद्धि विनायक मंदिर गई थी मन्नत मांगने। सिद्धि विनायक मंदिर? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बेगाने शहर में हमें अपनों से भी ज्यादा अपनापन मिलेगा, वरना कौन किसके लिए मन्नत मांगता है। बताकर जाते तो शायद चिंता नहीं होती। अच्छा हुआ तुम उसे वहां मिले, तेरे साथ इसके भी दर्शन अच्छे हुए होंगे। एनीवे, तुम दोनों बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नैना, यस मामा, चाय का पानी रखो इन दोनों के लिए। ओके। अर्जुन भैया मुझे माफ कर दो। अनुजी नहीं, सिर्फ अनु। मैं तुमसे बहुत छोटी हूँ अर्जुन भैया। तुम तो बहुत बड़े हो। तुमने अभी जो मामा से कहा ना, वो मैं सच करके दिखाऊंगी। और एक नहीं, पूरे 11 मंगलवार में सिद्धि विनायक के मंदिर जाऊंगी। तुम्हारे कामयाबी के लिए प्रार्थना करूंगी। सच्ची भैया। अरे वाह दीदी, तुमने तो भैया को सजा दिया, एकदम रॉक स्टार लग रहे। नहीं न जाने वो दिन कब आएगा। अरे आएगा भाई, जरूर आएगा। उनके सपने पूरे होंगे तभी तो तेरा सपना पूरा होगा। क्या मतलब तेरा? झूठ तो चूहे की तरह छुप जाता है, सच को ही चोट लगती है। ए स्टूपिड, साफ साफ बोल क्या कहना चाहती है तू। अरे भाई, अर्जुन भैया को तुम्ही ने तो सपना दिखाया था, उन्हें यकीन दिलाया था कि वो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, और अगर वो यहाँ आकर ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि एक दिन वो बहुत बड़े स्टार भी बन जाए। ये तुम्हारा सपना था, तुम्हारा यकीन था कि वो यहाँ आए और स्टार बन जाए और सबके दिलों पर छा जाए। ठीक है, अभी जा और जाके दाल चढ़ा। दीदी ये ट्रम्पेट बज नहीं रहा, इसे ठीक कर दो ना। टुक टुक, तुम भी हमेशा जब मैं इम्पोर्टेंट बात करती हूँ ना तभी आती हो। दीदी ने बोला ना एक बार दाल चढ़ाने का, जाओ जाके दाल चढ़ाओ। लो। चुपट। तू एक काम कर, तू अर्जुन के पास जा और उसको मस्का मार, वो तेरा ट्रम्पेट भी बना देगा और तुझे बजाना भी सिखा देगा। सच दीदी? हाँ, वो हर सांस बजा लेता है। अच्छा, फिर तो उन्हें मस्का मारना ही पड़ेगा। अर्जुन मेरा ट्रम्पेट जरा ठीक कर दो, ये बज नहीं रहा, और मुझे बजाना भी सिखा दो। ट्रम्पेट? पर ये क्या किया तुमने? नैना दीदी ने कहा कि अर्जुन को मस्का मारो तो फिर वो तुम्हारा ट्रम्पेट ठीक भी कर देगा और तुम्हें बजाना भी सिखा देगा, इसलिए मैंने तुम्हें मस्का मारा। कैसा लगा? मस्का? ये क्या? अरे अर्जुन मेरा ट्रम्पेट ठीक करो ना। बस इतना सा मस्का? इतने से मस्के में तो ना ही हम आपका ट्रम्पेट ठीक करेंगे ना ही आपको बजाना सिखाएंगे। और मस्का लाओ तो बात बने। जाओ घर में जितना मस्का है सारा लेके आओ। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। अरे ये क्या किया तुमने, उसे और मस्का लाने को भेज दिया। क्यों? बहुत सही किया नैना जी, टुक टुक के जरा सा मस्का लगाने पे आप इतना हंसी, अगर वो ढेर सारा मस्का लगाएगी तो आप कितना हंसेंगी। अरे ये क्या नैना जी, करो इधर भी, थोड़ा इधर भी, और डालो और डालो। नैना तुम्हारी दाल गल गई। अंदर कैसे घुसाए आप? बाहर निकलिए, बाहर निकलिए आप। अरे यार क्या करते हो, धक्का क्यों मार रहे हो?
एक बार अपने बड़े साहब से बोलो ना, मिलवाओ ना उनसे। डायरेक्टर साहब बहुत गुस्से में, कहा धक्के मार के बाहर निकाल दो। अरे बहुत बड़ा सिंगर है, एक बार इसका गाना सुनने को कहो। कोरस में गाना है तो पीछे लाइन में खड़ो जाइए। ओ भाई साहब, हम मेन सिंगर बनने आए हैं, कोरस सिंगर नहीं। भाई साहब आप तो बहुत बड़े सिंगर बनोगे, अभी चलो पतली गली से निकलो, चलो जल्दी करो। अरे भाई साहब जाएंगे इसका गाना सुनने के लिए, जल्दी करो। चल यार किसी और स्टूडियो में ले चलता हूं तुझे, चल। मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, इसको समझा रहा हूं कि ऐसे सपने मत देखे जो अक्सर टूट जाते हैं, और जब टूटते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और मैं तेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं बेटे। अर्जुन। लाखन। अर्जुन, मैं लाखन नहीं टुकटुक हूं, तुम्हारे भैया भाभी का फोन आया है। हाँ भाभी, यहाँ सब ठीक है, और लाखन कैसा है? अच्छा, और भैया वो कैसे है? हाँ हाँ, बस वो आ ही गया। एक मिनट, भैया भाभी का फोन है। हेलो, प्रणाम भाभी। जीते रहो। देखा, मेरी आवाज भी जान गया। अच्छा अच्छा ठीक है, उसे पूछो कैसा है। मुझे भी जाजू से बात करनी है। वो मेरा भी साथ सीधे आकाश जाए देना। अर्जुन, यहाँ सब लोग तेरे को याद करते हैं, पूछ रहे तो कैसा है। बस आप सबका आशीर्वाद है भाभी, हमें तेरी बहुत याद आती अर्जुन। अरे तू थोड़ा रो ले, तब तक हम उससे बात करते हैं। अरे अर्जुन, अरे हम तेरे बड़े भैया बोल रहे हैं। हाँ भैया, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, तू सुना, तू कैसा है? अरे अरे अर्जुन, तेरे गाने का प्रोग्राम कैसा चल रहा है? हमने नया टीवी लिया है, सारे प्रोग्राम देखते हैं, तेरा गाना क्यों नहीं आता रे? आएगा भाभी, आएगा। अर्जुन, अर्जुन तू रो क्यों रहा है? बस आप सबकी बहुत याद आती है हमें। हमें भी तेरी बहुत याद आती है अर्जुन। अच्छा, नैना जी को फोन दे। हाँ भाभी, भाभी। हेलो नैना जी, अर्जुन को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं भाभी, अर्जुन को कोई तकलीफ नहीं है। अर्जुन का ध्यान रखना। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना यहाँ। अरे हेलो हेलो, इस लाइट को भी अभी जाना था। अर्जुन, ये क्या है अर्जुन? नैना जी, जैसे तुम्हें मेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, वैसे ही मुझे भी तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। इन आंसुओं का मतलब समझते हो? हम हार गए नैना जी, हम हार गए। हार गए? क्यों ले गए थे मुझे अपने घर, भैया और भाभी से ये कहने के लिए कि अर्जुन बहुत अच्छा गाता है? क्यों मेरे कहने पर मुंह उठाकर यहाँ चले आए? टूटने के लिए, हारने के लिए? नैना जी, नहीं, तुम नहीं हारे, हार तो मेरी हुई है। तुमने मुझे हरा दिया अर्जुन, हरा दिया तुमने मुझे। नैना जी, हम आपको नहीं हारने देंगे, हम आपको कभी नहीं हारने देंगे, हम आपको कभी भी नहीं हारने देंगे। लो रोशनी हो गई। ए टुकटुक, ये लो बैंडेरा, जल्दी कर। तू क्या कर रही है टुकटुक, किस पे लिख रही है? सब
किराए का सामान है मोंटो। ओके। विक्की भाई, कहाँ रखो मोंटो? नैना जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब आप क्या कर रही हैं? चौथी बार बता रही हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगी। हम सब ने मिलकर ये इंतजाम किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम इस पर खड़े होकर गाना गाओगे। अरे बाबा, लोग इकट्ठे होंगे, तुम्हारी आवाज सुनेंगे। हो सकता है तुम्हारी आवाज किसी ऐसे कानों तक पहुंच जाए जिस तक पहुंच पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो। लेकिन मुझे तो ये डर लग रहा है नैना जी, कि मैं कहीं सड़क छाप सिंगर बन के तो नहीं रह जाऊंगा। अरे हमारे तुम्हारे सोचने से क्या होता है दोस्त, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है, समझे? कर किए जा, फल की चिंता मत करे बालक। सड़क है, तुम लोगों की बाप की जागीर नहीं। ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? मैडम, ये तमाशा नहीं है, आज यहाँ रोड शो होने वाला है जिसमें हमारा दोस्त अर्जुन सिंह गाना गाएगा, ताकि इसकी आवाज उन लोगों तक पहुंच जाए जो इसे बहुत बड़ा स्टार सिंगर बना दें, समझिए आप? स्टार सिंगर माय फुट मूव। चलो, क्या हुआ, डर गए क्या? चलो 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 शुरू करते हैं, चलो। चलो लगता है हमको हो गया।
दिल गया मेरा दिल गया दिल गया दिल गया मेरा दिल गया हो मैं यहाँ हूँ। हाय पापा। हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वेरी वेल, कम बेटा कम। अभी तक काम कर रहे हैं पापा? क्या करूँ बेटा, काम तो करना पापा, ही है। अर्जुन। नमस्ते सर। अरे नमस्कार अर्जुन, कैसे हो? अरे ये क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? अरे यार तुम तो मुझे बुढ़ा करके ही छोड़ोगे। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। क्या कर रहे हैं बेटा? मैं इस बुद्धू को ये समझा रहा हूँ कि दोस्तों के पैर नहीं छूते, उनसे गले मिलते हैं ऐसे। गुड टू सी यू यंग मैन। अ लिटिल व्हिस्की? व्हिस्की? नो व्हिस्की, बिकॉज व्हिस्की है बहुत रिस्की। अरे बॉबी इसे कुछ समझा, मैं व्हिस्की पी रहा हूं और ये रिस्की कह रहा है। ओए तू व्हिस्की नहीं पीता है तू स्टार कैसे बनेगा? ओए कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड है या वो भी खाना खा ली है? ए, बिल्कुल है। आप नौजवान लड़के हैं मेरे दोस्त, तो हुए ना आप मेरे बॉयफ्रेंड। बॉबी जी लड़की हैं मेरी दोस्त है, तो हुई ना मेरी गर्लफ्रेंड। देखा, अब मैं तुम्हारी कदमों की आहट भी पहचानने लगी हूँ। सॉरी नैना जी, मुझे आज जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, चलो तुम जल्दी से जाके कपड़े बदल कर आओ, मैं खाना लगाती हूँ, भूख के मारे जान जा रही है। लेकिन चलो। खाना तो मैंने खा लिया बॉबी जी के साथ, उन्होंने तो मुझे खाना खाए बिना आने ही नहीं दिया। इतना फोर्स किया उन्होंने मुझे कि मैं तो इनकार कर नहीं सका। ये भी खाओ अर्जुन, वो भी खाओ अर्जुन, इतने प्यार से खाना खिलाया उन्होंने मुझे। लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूं नैना जी, उनके इतना जिद करने के बावजूद मैंने भी सिर्फ आधा पेट ही खाना खाया। क्यों आधा पेट? क्यों आधा पेट? आपके साथ खाऊंगा ना। नहीं अब मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है नैना जी, बैठिए, चलिए बैठिए। आज अर्जुन सिंह आपको अपने हाथों से खाना खिलाएगा और आपको खाना पड़ेगा। क्या बनाया? क्या सब्जी बनाई है नैना जी? वाह आप बहुत अच्छा पकाती, मुझे स्टार्टिंग से मालूम था। मालूम है आपको? प्लीज खाइए ना आप, प्लीज 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 नैना जी। ओके सर टी। हाँ थैंक यू। वेलकम सर। हाँ मिस बॉबी, मुझे जरा सोचने दीजिए,
जस्ट गिव मी सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि किसी भी नए सिंगर को इंट्रोड्यूस करने में काफी रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क? पैसे की चिंता आप मत कीजिए, जितना पैसा लगाना है मैं लगाऊंगी। जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको इनकी आवाज के बारे में। गुड, दैट्स वेरी गुड। लेकिन आप सिर्फ पैसा खर्च कर सकती हैं, किसी को कैसेट्स खरीदने या इनकी आवाज सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मैं मजबूर कर सकती हूँ। आप अर्जुन की एक नहीं, दर्जनों का सेट निकाली, लाखों का सेट निकाली। जब किसी के घर में टीवी ऑन होगा ना, तो सिर्फ अर्जुन का चेहरा दिखना चाहिए, सिर्फ अर्जुन की आवाज सुनाई देनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ? आप कितने ऑडियो कैसेट्स बनाते हैं? इतने ऑडियो कैसेट्स बनाइए जितने आपने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। मैं ये ऑडियो कैसेट्स बेचूंगी नहीं, बांट दूंगी। मैं अर्जुन को लोगों के दिल में बिठाना चाहती हूँ। मिस बॉबी, ये बिजनेस नहीं, पागलपन है। पागलपन? You're right, I am crazy. Crazy. देखिए मिस बॉबी, मैं आपके I don't want to talk to you anymore. This meeting is over. आप मेरी बात सुनें। Over. देखिए मिस बॉबी, मैं आपके meeting is over. Get out. मैं आपके पापा के Get out. Now. Get out right now. हाय सुनील, क्या हाल है? अरे ये डालिंग, ये सुनील महादेवन को क्या हुआ? ओ माय बेबी, बताओ ना क्या हुआ? पापा हम एक म्यूजिक कंपनी खोलेंगे। सुनील महादेवन की म्यूजिक कंपनी से बहुत बड़ी और बहुत ऊंची। प्लीज पापा। एनीथिंग फॉर यू माय डार्लिंग। Ladies and gentlemen and the press, thank you all very much for coming here and I extend a warm welcome to you all. हमने ये कंपनी अपनी बेटी के कहने पर खोली है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी ये कंपनी हमारी और कंपनियों की तरह बहुत बड़ा नाम कमाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुबारक हो मुबारक। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकी साहब, आप आए हमारी कंपनी को चार चांद लग गए। आप इनसे मिलिए। Hello. आप हैं AR सिद्दीकी साहब, हिंदुस्तान के सबसे बड़े और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर। हेलो सिद्दीकी साहब, ये हमारी बेटी है मेरी जान बॉबी। ओह हेलो। और आप हैं अर्जुन, बहुत बढ़िया गाते हैं, बड़ी सुरीली आवाज है। आई सी, हमारी कंपनी इन्हें लॉन्च करने वाली है। ओह आई सी। आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी आवाज के साथ साथ हमारी कंपनी लॉन्च हो रही है। पहचाना नहीं सर आपने मुझे? भाई मुझे याद नहीं हम लोग कहीं मिले हो। शायद अब कुछ याद आ जाए आपको। मैं आपके पास एक बार काम मांगने आया था तो आपने ये नोट देकर मुझे जैसलमेर लौट जाने को कहा था। आई एम सॉरी बेटे, आप जैसे लोग आते हैं तो हम लोग मगर ये नोट मेरे लिए बहुत लकी है सर। ये नोट जिस दिन आपने दिया था ना सर, उसी दिन संगीत की इस दुनिया से मेरा रिश्ता जोड़ दिया था। मुझे लगा ये मेरी पहली कमाई है। गुजराल साहब, आज इस बच्चे ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। जिंदगी में कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सिद्दीकी साहब, बिल्कुल सही। सर उस दिन आपने मुझे ये नोट दिया था, आज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस मुकाम पर पहुंचना चाहता हूं वहां पहुंच सकूं। अरे 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 बेटे, आज मुझे तुम पर नाज है, कल सारे जमाने को होगा। वाह।
जैसा रॉक जैसा यार मुझे चाहिए। आपकी मोहब्बत और प्यार मुझे चाहिए। छेड़ की तरह ने दिल यूं ही बहलाऊं, आपके लिए ही सारी जिंदगी मैं गाऊं। आपका मैं आपका सितारा। ता 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 ता।
आओ अर्जुन, चलो खोलो इसे। कम ऑन, इस बंगले को देखो और मुझे बताओ कैसा है। बहुत ही खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि इसकी खूबसूरती की तारीफ तो मैं लफ्जों में भी नहीं कर सकता। ये बंगला नहीं बॉबी जी, ये तो किसी राजा का महल लगता है। महल इस महल के राजा तुम हो अर्जुन। बॉबी जी। हाँ अर्जुन, ये बंगला तुम्हारा है, कंपनी की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। छोटा सा? बॉबी जी मैंने सपने जरूर देखे थे, पर कभी सपने में भी नहीं सोचा कि सपने इतने हसीन होंगे। मैं कहीं खुशी से पागल ना हो जाऊं बॉबी जी। तुमने तो सारी दुनिया को पागल कर दिया है अर्जुन, और फिर मेरे होते हुए तुम कैसे पागल हो सकते हो। अरे ये पागल हो गया, अरे पागल। अरे ओ भागो, इसे किसी ओझा के पास लेके जा और इसका पागलपन बता के इसका इलाज करवा। आज तो आपके अर्जुन को वाकई एक ओझे की जरूरत है भैया। क्या हुआ अर्जुन, व्हाट्स हैपेंड? कुछ नहीं, पागलपन का अटैक आया था, चला गया। क्या पागलों जैसी बातें करते हो, चलो मेरे साथ। कहाँ? मैं बताती हूँ, चलो ना। ये क्या फूल योर माय टीम डम, नो फाइटिंग नो फाइटिंग, माय टर्न माय टर्न। नैना, व्हाट्स द टाइम? अर्जुन नहीं आया अभी तक, काफी लेट हो चुका है, 9:30 बज गए। कौन हो सकता है? जरूर कोई बदमाश लगता है। अर्जुन भैया होते ना तो अभी ठीक कर देते। मैं अभी जाके देखती हूँ। नैना अर्जुन, ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं नैना जी, मैं तो आपको ये गाड़ी दिखाने के लिए लाया हूँ। अच्छा, कहाँ से चोरी की? चोरी चोरी नहीं की, ये मुझे बॉबी जी ने गिफ्ट की है। माँ तेरे पास एक नहीं अनेक कारें हो, पहली कार मुबारक हो। आधी अधूरी मुबारकबाद बिल्कुल नहीं चलेगी। ये देखिए हमारे नए बंगले की चाबी, एकदम महल जैसा बंगला जो मुझे कंपनी ने दिया है। चलिए अब हम सब वहीं रहेंगे। टुक टुक, ऑफ टू बेड, देर हो गई बेटा। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट अर्जुन। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। ये लो। नो थैंक्स। समझने की कोशिश करो अर्जुन। नैना तुम इसे समझाओ। मैं जैसलमेर से जरूर आया हूँ, पर ना समझ नहीं हूँ, सब समझ है मुझे। क्या समझ है? यही, इस घर से माँ की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, इस घर में माँ की आत्मा बसी हुई है, और अगर माँ हमारे साथ उस बंगले में रहने नहीं जाएंगी तो कोई भी नहीं जाएगा। मगर मेरी भी एक बात सुन लीजिए आप, इस कोई भी में मैं भी हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बिल्कुल सीधा और साफ, मैं भी नहीं जाऊंगा। ओह, तो लॉक कर दे अभी। पक्का? बिल्कुल। कॉन्फिडेंट? 100%। ओके कंप्यूटर जी, इस जवाब को लॉक करते हैं। जवाब बिल्कुल सही। एक्सक्यूज मी। यस, आप ही नैना की मम्मी हैं? जी हाँ, कहिए। मेरा नाम बॉबी है, बॉबी गुजराल। बॉबी? ओह आइए आइए ना, लेकिन अर्जुन तो घर पर नहीं है, वो तो बच्चों को। मैं अर्जुन से नहीं, आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे? जी हाँ, सुना है आप लेक्चरर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। ठीक सुना है। आपने अर्जुन को ऐसा क्या पढ़ा दिया कि वो आपका घर छोड़कर उस बंगले में शिफ्ट नहीं होना चाहता जो कंपनी ने उसे अपनी हैसियत के मुताबिक रहने के लिए दिया है? पढ़ाने का मतलब, उसका इस घर में दिल लगा हुआ है, इसलिए वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। इस जगह में? ऐसी जगह में तो इतने बड़े स्टार सिंगर के नौकर भी नहीं रहते होंगे जहाँ वो खुद रह रहा है। What do you mean? ऐसा मैं नहीं कहती, वो सब लोग कहते हैं जो इतने बड़े स्टार सिंगर को मिलने
यहाँ आते हैं और फिर पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। उन लफ्जों के लिए माफी चाहती हूँ जो आपको अच्छे न लगे हों। आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, शायद मेरी माँ जैसी, और आप एक लेक्चरर भी हैं, सिखाना आपका काम है, तो आप अर्जुन को भी सिखाइए ना। उसे ऐसा सिखाइए कि लोग उसके रहन सहन का मजाक ना उड़ाएं। मैंने फैसला कर लिया है। ये कैसा फैसला है माँ? ये जबरदस्ती के रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करना। ये फैसला मेरा है। सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। मेरे घर से? लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा नहीं, कसूर तो मेरा है जो मैंने तुझ जैसे बड़े स्टार सिंगर को इस छोटे और घटिया घर में पना दी है। शायद तेरे नौकरों को भी इससे बढ़िया और बड़े घर में रहने की आदत होगी। किसने कहा ये? किसी ने भी कहा होगा, लेकिन ये मेरे पति का घर है और ये किसी मंदिर या महल से कम नहीं, समझे? अब उठा अपना सामान और जाओ उस बंगले में जो बंगला तुम्हारे कंपनी वालों ने दिया है। बिना कसूर, बिना किसी कारण क्यों ये सजा दी जा रही है मुझे? तू ऐसे नहीं मानेगा। सामान उठाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। दरवाजा बंद करने से कुछ नहीं होगा माँ, मेरा घर तो आपके दिल में है। दिल से निकाल कर दिखाओ तो जाने। दिल तोड़ दिया आपने, सुना? दिल तोड़ दिया। हेलो, हेलो, अर्जुन, अर्जुन, बेटे बहुत रात होगी, सो जा। अर्जुन, अर्जुन भैया, मैं ना, अर्जुन भैया, अर्जुन, आप लोग ये मत सोचना कि मैं यहां फिर से रहने आ गया हूं। मैं आपको इनविटेशन देने आया हूं। मेरे शोज की कामयाबी की खुशी में कंपनी ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। वहां सबका कोई ना कोई होगा और मैं चाहता हूं कि वहां मेरे अपने भी हों। आप लोग मुझसे कोई रिश्ता समझे ना समझे, लेकिन मैं तो समझता हूं कि मेरा आपसे बहुत गहरा रिश्ता है। पहले तो दिल तोड़ दिया आपने,
आप कम से कम दिल रखने के लिए आ जाना। कान पकड़कर घर से निकाला था, अब कान पकड़कर अंदर ले जा रही हूं। चला मुझे माफ कर देना बेटा। माँ, लेकिन तुम्हारा यहां से जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि तुम्हारी जगह यहां नहीं, महलों में है। इंसान का रहन सहन उसकी हैसियत के मुताबिक होना चाहिए ना। इस घर में रहना जरूरी नहीं अर्जुन, इस दिल में रहना जरूरी है। लेकिन माँ, और तू तो हम सबके दिलों में है ही ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बीजे जी म्यूजिक कंपनी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम सब यहाँ किसी की कामयाबी और मकसद पूरे होने की खुशी में इकट्ठे हुए हैं। आप सबका धन्यवाद जो आपने इस फनकार की हौसला अफजाई की और उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि वो सबके दिलों में समा गया। वो जो सबकी जुबा पर है, उस सितारे, उस स्टार का नाम है अर्जुन सिंह। आप इतने बड़े कलाकार हैं, आज घर घर में आपके चर्चे हैं, ये कामयाबी आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है? कामयाबी मेरी जिंदगी का मकसद था, और जब जिंदगी में मकसद मिल जाता है तो जीने की वजह भी मिल जाती है। वन एट अ टाइम प्लीज। सर, मकसद और कामयाबी पाने में काफी लोगों का हाथ होता है, आपकी जिंदगी में कौन है जिसने आपके सपने पूरे किए? एक्सक्यूज मी, वो उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत बहुत मुबारक। अर्जुन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आओ मां, हैव अ सीट मैम। म्यूजिक अच्छा ना मां, डांस हो जाए। क्या मैं और इस उम्र में? ले बाबा, बच्चे लोग, बच्चे लोग, टुक टुक, डांस करोगी मेरे साथ? मैं और बुड्ढों के साथ डांस करूंगी। अर्जुन भैया, तुम्हारे साथ डांस करेगी नैना जी। क्यों नैना जी, हो जाए? अरे हो जाए, हो जाए, सोचना क्या। कम ऑन दीदी, कम ऑन नैना, गो। थैंक्स मां। बॉबी जी, हाय बॉबी।
सरकार, जनाब, मेरी जान, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही पापा, एक सोच है जो मुझे सोने नहीं दे रही। सोच? हमने हमेशा कोशिश की है कि कोई भी सोच हमारी जान तक पहुंचने के लिए 100 बार सोचे, फिर कौन सी सोच है जो तुम तक पहुंच गई? उस सोच का नाम नैना है पापा। नैना? वो अच्छी लड़की है पापा, मेरी उससे कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन जब भी मैं उसे अर्जुन के साथ देखती हूँ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरे दिलो दिमाग में एक तूफान सा उठने लगता है, नफरत का तूफान। मेरा जी करता है पापा मैं नैना का खून कर दूं। खून? मेरी जाने मन, मेरे सरकार, इसका मतलब है कि यू आर इन लव। यू आर इन लव बेटा, यू आर इन लव, यू आर इन लव। तुम्हें अर्जुन से प्यार हो गया है। You're in love, beta. That's fantastic. Oh, how beautiful. You're in love. Good evening, ma'am. Good evening. Arjun bhaiya. Anu, tum? Maa bhi aayi hai? Mama nahi aayi hai. Main akeli aayi hoon. Chala idhara. आप बैठ रहे। अब बोल क्या पिएगी? कुछ नहीं पीऊंगी क्योंकि बाहर मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही हैं और मुझे जाना है। कम ऑन, अभी तो आई है, इतनी जल्दी जाना है? हाँ, मम्मी ने ये मैसेज भेजा है कि कल शाम को तुम्हें घर आना है क्योंकि नैना दीदी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। नैना जी को देखने? क्यों? अरे क्यों का मतलब क्या हुआ? दीदी की शादी के लिए, और मम्मी ने कहा है कि अगर तुम वहाँ रहो तो अच्छा होगा ताकि तुम लड़के को देख भी सको और उसे पसंद भी कर सको। राइट? ओके, मैं जाती हूँ, भूलना नहीं। ओके बाय। अरे अर्जुन, तुम अभी तक घर पे हो? शो का टाइम हो रहा है। जी जी। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जल्दी कीजिए स्टार साहब, आपके चाहने वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। बाहों में सोए रहते थे, हम आशिक थे, दीवाने थे, इस दुनिया से बेगाने थे। ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे।
कहते थे कुछ सुनते थे हम भूल वफा के चुनते थे कभी हंसते थे कभी रोते थे हम यार जुदा जब होते थे हमें सब कुछ अच्छा लगता था अफसाना सच्चा लगता था ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे तुम्हारी आती थी चाहत के नगमे गाते थे बेचैन दीवाने धड़कन को बहलाते थे समझाते थे ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे फिरते थे Not today. Thanks. अर्जुन तुम इस वक्त यहाँ? बेचैनी इतनी बढ़ गई माँ कि हम सुबह तक का इंतजार ना कर सके. बेचैनी क्यों, क्या हुआ? चल अंदर आ जा, बैठ. क्या माँ, जब से अनु ने बताया है कि कल सुबह लड़के वाले नैना जी को देखने आ रहे हैं, हमारे अंदर एक अजीब सा तूफान उठ रहा है. माँ, हमारे अंदर जैसे एक जंग सी चल रही हो. हमें समझ नहीं आता माँ, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता हमें क्या हुआ है. माँ, नैना सुना अर्जुन क्या कह रहा है? क्या जवाब है तेरे पास इन बातों का? क्यों हो रहा है इसके साथ ये सब? इतना बेचैन है कि सुबह तक इंतजार भी ना कर सका. कब होता है? हानु, नैना को कौन सा लड़का देखने आने वाला है? झूठ बोला था मैंने, क्योंकि जब भी अर्जुन बॉबी की तारीफ करता था या बॉबी के बारे में कुछ भी कहता था तो नैना हमेशा अपने दिल पर सब्र का पत्थर रखकर सिर्फ मुस्कुरा देती थी. हर बार मैंने उसकी आंखों में पढ़ा, माँ माँ ये अर्जुन से बहुत प्यार करती है. मैंने उसकी आंखों में जितना प्यार देखा ना, उन्हीं आंखों में उससे भी बड़ा एक सपना देखा कि अर्जुन के सारे सपने पूरे हो जाएं. इसका प्यार अर्जुन की कामयाबी में कहीं रुकावट ना बन जाए इसलिए वो हमेशा खामोश रही. मैंने भी अंधेरे में तीर छोड़ा, निशाने पे लगा, तुम तड़प उठे, तुम्हारा प्यार सबके सामने आ गया. नैना,
तुम भी ये खामोशी तोड़ दो। अर्जुन की जिंदगी में अगर कोई दूसरी लड़की आ गई ना तो पूरी जिंदगी तुम्हें सब्र में ही गुजारनी होगी। मम्मा अनु को समझाओ ना, ये क्या क्या बोले जा रही है। इस बेशरम ने तो सबके सामने सब कुछ कह दिया। भला मैं ये सब कैसे कहती। नैना। यस मम्मा, अनु इज राइट। क्यों, तुझे तेरी बेचैनी की वजह मालूम पड़ी है? थैंक यू अनु। यू वेलकम। वो क्या है ना माँ, अंग्रेजी में कहते हैं क्या कहते हैं, आई लव यू मामा। इफ यू लव somebody, set it free. इफ इट लव्स यू it'll कम बैक टू यू। पर नैना जी, हम तो आपसे दूर कभी गए ही नहीं, हम तो हमेशा आपके बहुत पास और बहुत करीब थे। अब देखिए ना, अक्सर इंसान अपने मकसद को पाने में इतना खो जाता है कि उसे ये एहसास ही नहीं होता कि कोई उसे प्यार करता है। हमें तो आज सब कुछ मिल गया नैना जी, सब कुछ। तुम्हें तो प्यार का इजहार करना भी नहीं आता, वही जैसलमेर के सीधे साधे अर्जुन सिंह। अगर मुझसे प्यार करते हो ना तो प्यार का पहला सबक भी सीखो, इस जी को हटा दो, मुझे सिर्फ नैना कहकर पुकारो। जी नैना। नैना जी, इस जी को तो आप रहने ही दीजिए, इस जी में बहुत प्यार है। हम तो शादी के बाद भी आपको नैना जी ही बुलाएंगे। शादी जी? नैना जी, प्यार किया है तो शादी भी तो होगी ना। आई लव यू अर्जुन। मैंने एक सपना देखा। सच बेटी, यही तो तुम्हारी उम्र है सपने देखने की। बताओ क्या देखा। पापा मैंने देखा कि मेरी अर्जुन के साथ शादी हो गई। सच? That's fantastic. बेटा मैंने भी एक सपना देखा है। अच्छा, आपने भी सपना देखा? हाँ। क्या देखा? ना 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 ना, हमारा सपना लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सपना दिखाएंगे? यस सर, कम ऑन। ओह माय गॉड, ये है हमारा सपना। मेरी बेटी की शादी इस तरह इतनी धूमधाम से होनी चाहिए कि शादी देखने वालों को ऐसा लगे कि वो खुद सपना देख रहे हों। ओह पापा, आई लव यू। पर पापा, आपने ये सपना कब देखा? उस दिन तुमने कहा था ना कि जब तुम नैना को अर्जुन के साथ देखती हो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। बस उसी दिन हमने तुम्हारी दिल की आवाज सुन ली। जब अर्जुन को यह मालूम पड़ेगा तो वो खुशी से पागल हो जाएगा। राइट? थैंक यू पापा। गुड मॉर्निंग बॉबी जी। गुड मॉर्निंग अर्जुन, तुम कहाँ हो? मैं इतनी देर से फोन लगा रही थी। हम आपके पास हैं।
सच? कितने पास? बहुत पास और बहुत खुश। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ अर्जुन, तुम भी मेरी बात सुनोगे ना तो तुम भी खुशी से झूम उठोगे। अच्छा अर्जुन, अर्जुन मैं शादी कर रही हूँ। शादी? ये तो बहुत खुशी की बात है बाबूजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो अर्जुन। ऐसे क्या देख रहे हो? आपको पता चल गया? हाँ। कमाल है बाबू जी। चलिए। कहाँ ले जा रहे हो? चलिए तो सही। अरे? आइए ना नैना जी। लो ये तो कमाल ही हो गया नैना जी। हमने तो सोचा था कि हम बॉबी जी को खुशखबरी सुनाएंगे और इन्हें चौंका देंगे, पर इन्हें तो पहले से ही मालूम था हम दोनों शादी कर रहे हैं। कमाल ही हो गया, इन्होंने तो हमें ही झटका दे दिया। बॉबी जी हम दोनों शादी कर रहे हैं, इन्हें तो हमारे दिल की बात पहले से ही पता चल जाती है। ये दोस्ती है कि दिल की बात जुबान पे आने से पहले दोस्त को पता चल जाती है। नैना जी ये है हमारा, ये है हमारा सपना। बॉबी जी शट अप, शट अप, शट अप। बॉबी जी, बॉबी जी, तेरे इसी बुरे पल ने मुझे पागल कर दिया है। पागल हो मैं तेरे प्यार में। तेरे सिवा ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। सोती हूँ तो तेरे सपने लेकर, जागती हूँ तो तेरे सपने में जीना चाहती हूँ। तेरे सपने पूरे करते करते तू ही मेरा सपना बन गया। वो? शट अप। सिर्फ मैंने ही नहीं, तुम्हें लेकर मेरे पापा ने भी ना जाने हम दोनों के लिए क्या क्या सपने देखे। और तूने पलक झपकाने से भी पहले हम दोनों के सपने चूर चूर कर दिए। बॉबी जी, हमारी और नैना की शादी होने वाली है। नो नो नो, नेवर, नेवर, नेवर। जो मुझे पसंद है वो सिर्फ मेरा है, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं, किसी का नहीं।
रिवॉल्वर फेंक क्यों दिया पापी जी? लीजिए, मार डाली हमें पापी जी, ताकि आपके अंदर जो आग भड़क रही है ना, वो बुझ सके, आपके अहम को यह एहसास हो सके कि जिसे मिट्टी से उठाकर आसमान पे पहुंचाया था, उसे फिर मिट्टी में मिला दिया। अरे आप तो हमारी परी हैं, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी औकात इस परी से प्यार करने की होगी, और हमने कभी अपनी औकात से बाहर झांकने की कोशिश तक नहीं की। बॉबी जी, प्यार किया नहीं जाता, प्यार तो हो जाता है, जैसे आपको हमसे, हमें नैना जी से, और नैना जी को हमसे। प्यार ना ही एक समझौता है और ना ही एक जबरदस्ती का खेल, और हम आपको दुखी भी नहीं देख सकते, बहुत एहसान है आपके हम पर, बहुत एहसान। यह एहसान तो हम चाहकर भी नहीं उतार सकते, आपकी खुशी इसी में है ना, जो आपका नहीं वो किसी का नहीं, तो मार डालिए हमें बाबू जी। जैसे आपको हमसे, हमें नैना जी से, और नैना जी को हमसे। प्यार ना ही एक समझौता है और ना ही एक जबरदस्ती का खेल। The best male singer goes to Arjun Singh. Bahut mubarakah, bahut bahut mubarakah. Relax. Thank you so much. Congrats. Thanks. A few words, please. Sure. आज हम बहुत खुश हैं, बहुत। हमें इस खुशी और इस मुकाम पर पहुंचाने में बहुत से लोगों का हाथ है, बहुत से लोगों का प्यार है, और बहुत से लोगों का आशीर्वाद है। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने भैया और भाभी का, जिनके आशीर्वाद से आज हम आप सबके दिलों में रहते हैं। फिर नैना जी का, जो हमारी प्रेरणा है। फिर माँ, अनु और टुक टुक, जो हमारी हिम्मत और हौसले का सहारा बने। फिर हमारे मोंटो भैया, इकबाल चाचा और एआर सिद्दीकी साहब, जिन्हें यकीन हो गया
कि हम उनके काबिल हैं। और इन सब से अलग उस परी का जिसने हमें छुआ और चमत्कार हो गया। वो परी एक सुनहरी तकदीर बनकर हमारी जिंदगी में आई और हमारी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। परी जी, जो लोग दिल में रहते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। और आप तो हमारे दिल में हैं, आप तो हमारे दिल में हैं। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.